अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि खादों की सब्सिडी के वाउचर जो हैं उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, कौन से वाउचर एक्सपायर हो चुके हैं और किस डेट तक एक्सपायर हो चुके हैं, डीएपी सब्सिडी वाउचर कहां तक एक्सपायर हो चुके हैं, पोटाश के वाउचर कहां तक एक्सपायर हो चुके हैं और इनकी एक्सपायरी डेट 6 माह की है या साल की है, और इसके अलावा सीड के वाउचर्स उसकी पेमेंट कब आएगी, डीएपी सब्सिडी कब आएगी और ऑटो सब्सिडी जो है वो कब आएगी, डीएपी के वेरिफिकेशन वाली सब्सिडी मतलब जो डीएपी के वाउचर हैं जो जिसकी पेमेंट वेरिफिकेशन से आनी थी वो कब आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी डीएपी वाउचर्स की एक्सपायरी डेट जो है वो 6 माह की है। पिछले दिनों में ये बात चलती रही है, खबर चलती रही है कि 1 साल इसकी वाउचर की मियाद कर दी जाएगी, हालांकि 1 साल होनी चाहिए, 6 माह तक जो है वाउचर उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछली दफ़ा पिछले साल गंदम के वाउचर जब गंदम के लिए डीएपी खाद ख़रीदी गई है तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कि उनके बहुत ज़्यादा कूपन जो थे वो एक्सपायर हो गए थे डीएपी सब्सिडी के। उनकी डेट 6 माह की थी लेकिन जब खाद डाली गई है बिजाई के वक्त तो उनको एक्सपायरी वाउचर मिले थे, तो बहुत ज़्यादा वाउचर एक्सपायर हो चुके थे, तो इसलिए इसकी मियाद भी साल की होनी चाहिए। पोटाश की मियाद जो है वाउचर की तकरीबन 1 साल है, पोटाश के कूपन जो हैं वो 1 साल के बाद एक्सपायर होते हैं, मतलब अगस्त 2021 वाले अब जाके एक्सपायर हुए हैं, पिछले मंथ वो इस्तेमाल होते रहे और अब पोटाश के जो हैं वो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर वाले चल रहे हैं और अगस्त वाले 2021 वाले एक्सपायर हो चुके हैं, और डीएपी के जो वाउचर हैं वो जनवरी फरवरी 2022 तक के एक्सपायर हो चुके हैं, 153 सीरियल तक एक्सपायर हो चुके हैं, यानी 15-3 सीरियल तक एक्सपायर हो चुके हैं, 15-3 के बाद जो सीरियल है वो चल रही है डीएपी सब्सिडी वाउचर की। डीएपी सब्सिडी वाउचर जो है वो सीरियल के हिसाब से एक्सपायर होते हैं, 1 मंथ में दो सीरियल आ जाती हैं, यानी कि 2 या 3 आ जाती हैं, मतलब 15-1 15-2 15-3 इस तरह सीरियल जो है वो 1-2 सीरियल 1 मंथ में आ जाती है, तो 15-3 वाली सीरियल जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, 15-4 वाली सीरियल डीएपी सब्सिडी वाउचर की चल रही है, और इसके अलावा राइस सीड के जो वाउचर 2021 वाले थे वो एक्सपायर हो चुके हैं सीड वाले, और स्प्रे वाले जो 2021 वाले फाल नहीं का मैसेज आता था कि आपका कूपन अभी तक फाल नहीं हुआ है वो अभी तक उसी तरह ही मैसेज आ रहा है, जून 2021 वाला वाउचर था वो, मई वाले तो इस्तेमाल हो गए थे जून वाले नहीं हुए थे, तो वो जब फाल हो जाएंगे तो मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बता दूंगा। और इसके अलावा सब्सिडी जो है उम्मीद है कि अनकरीब आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही फ़ंड ट्रांसफ़र होगा फ़ंड अपडेट होगा सिस्टम अपडेट किया जाएगा तो सब्सिडी स्टार्ट हो जाएगी।